इस बार 59 दिनों का होगा सावन माह, 8 सावन के सोमवार होंगे। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। प्रत्येक वर्ष 30 दिनों का श्रावण महीना होता है, लेकिन इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 59 दिनों का श्रावण महीना रहेगा और इन 59 दिनों तक लगातार भोले बाबा माता पार्वती जी के साथ पर पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे, क्योंकि इस बार 8 श्रावण के सोमवार होंगे। 4 जुलाई 2023 मंगलवार के दिन से श्रावण माह का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन श्रावण माह का समापन होगा। श्रावण के इस बार 8 सोमवार होंगे। श्रावण का सबसे पहला सोमवार होगा 10 जुलाई तथा दूसरा सोमवार 17 जुलाई को होगा। इस दिन सोमवती अमावस्या भी रहेगी, हरियाली अमावस्या भी रहेगी और इसी दिन श्रावण का दूसरा सोमवार होगा तथा श्रावण का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को होगा एवं श्रावण महीने का चौथा सोमवार 31 जुलाई को होगा। वहीं श्रावण माह का पांचवा सोमवार 7 अगस्त को होगा। वहीं श्रावण माह का छठा सोमवार 14 अगस्त को होगा। इस दिन शिव चतुर्दशी का महापर्व भी रहेगा तथा श्रावण महीने का सातवां सोमवार 21 अगस्त को होगा। इस दिन नाग पंचमी का महापर्व भी रहेगा तथा सावन का यानी श्रावण महीने का अंतिम सोमवार 28 अगस्त को होगा और इस दिन प्रदोष का व्रत भी रहेगा। तो इस प्रकार इस बार श्रावण का महीना 59 दिनों का होगा तथा 8 श्रावण के सोमवार होंगे। भोले बाबा की भक्ति करने के लिए आपको पूरे पूरे 59 दिन इस बार प्राप्त होंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें श्रावण महीने का पूरा व्रत करते हैं, उनको 59 दिनों तक लगातार सावन महीने का व्रत रखना होगा और जो भक्तजन केवल सावन सोमवार का व्रत करते हैं, उनको इस बार 8 सावन सोमवार करने का अवसर प्राप्त होगा और इस पूरे महीने भोले बाबा की भक्ति होगी, साधना होगी, आराधना होगी। निरंतर 59 दिनों तक आप भोले बाबा की पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में पूजा अर्चना कर पाएंगे और श्रावण सोमवार के दिन भगवान की विशेष पूजा अर्चना होगी। साथ ही इस बार अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होने से भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना का पुण्य आपको प्राप्त होगा और ऐसा अवसर लगभग 20 वर्षों के बाद में आपको मिलने जा रहा है। इस बार श्रावण का महीना बड़ा ही अद्भुत महीना है और जो भक्त इस बार श्रावण महीने का व्रत करेगा या श्रावण सोमवार का व्रत करेगा, उसके जीवन की समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य ही भोले बाबा पूर्ण कर देंगे, क्योंकि भोले बाबा सावन के महीने में माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और जो भक्त उनकी साधना आराधना पूजा एवं सेवा करते हैं, उसको मन चाहा वरदान भोले बाबा अवश्य ही प्रदान करके जाते हैं। कलयुग में सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। भोले बाबा को भंडारी कहा जाता है और यदि आप श्रावण महीने में उनकी पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, आराधना करेंगे, व्रत करेंगे, उपाय करेंगे तो भोले बाबा जल्द ही आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। श्रावण के महीने में सभी भक्तों को भोले बाबा की धूमधाम और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और भोले बाबा का रुद्राभिषेक इस दौरान करवाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस महीने करवाना चाहिए तथा इस महीने शिवार्चन या फिर रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करवाए और ब्राह्मणों के द्वारा आप विधिवत भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करवा सकते हैं।
भगवान भोले बाबा की आराधना पूजा करने के लिए आप यदि उनको जल से अभिषेक करेंगे, कच्चे दूध से उनका अभिषेक करेंगे, बिल्व पत्र शमी पत्र यदि उनको अर्पण कर देंगे तो भोले बाबा आपसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप पूरे उन 60 दिनों तक इस बार भोले बाबा की पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ पूजा तथा आराधना करें और 8 सोमवार का व्रत करें तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। और यदि कोई माताएं बहनें 16 सोमवार का व्रत आरंभ करना चाहती है तो वो 8 में से किसी भी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकती है, जो कि निरंतर 16 सोमवार तक उनका व्रत किया जाता है और उसके बाद 17वें सोमवार के दिन उसका उद्यापन किया जाता है। भोले बाबा की पूजा में क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार से कोई गलत अनैतिक या पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही भोले बाबा की सेवा एवं पूजा में काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इस दौरान शुद्ध व पवित्र अवस्था में भोले बाबा की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। भोले बाबा की पूजा सेवा में किसी भी प्रकार से कोई तामसिक वस्तु जैसे लहसुन प्याज मांस वगैरह मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए और पूरे मन से श्रद्धा से भक्ति से यदि आप भोले बाबा की पूजा अर्चना करोगे तो निश्चय ही आपको भोले बाबा मन चाहा वरदान प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों माताओं बहनों यदि आप श्रावण माह में हमारे माध्यम से पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय जाप करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं या फिर श्रावण माह के पुण्य प्राप्त करने के लिए कोई भी पूजा अनुष्ठान हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि गूगल पे फोन पे पेटीएम या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्रावण महीने का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।